हेलो एवरीवन वन यहाँ पर हम ब्लड की स्टडी करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स uh, जो होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो सबसे पहली चीज़ की जो ब्लड है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और स्टडी ऑफ ब्लड को हम हिमाटोलॉजी कहते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्विकली हम देखेंगे कि ब्लड जो होते हैं वो कितने पार्ट्स uh, में होते हैं कौन कौन से पार्ट्स इसमें uh, मिले होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हमारे ओवरऑल ब्लड का तो इसमें दो पार्ट्स होंगे पहला होगा प्लाज्मा जो कि होगा हमारा फिफ्टी और दूसरा क्या होगा हमारा फॉर्म एलिमेंट होगा जो कि कितना होगा 45% परसेंट का तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा की तो प्लाज्मा 55% परसेंट तो 55% परसेंट में आप देखते हैं कि इसमें आपका वाटर कितना होता है वाटर होता है आपका 90 से लेकर 92 परसेंट का होगा और जो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं आपके सिक्स टू एट परसेंट होते हैं अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होंगे तो यहाँ पे आप देखें कि एल्बुमिन प्रोटीन है जो क्या करता है आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है और दूसरा हमारा प्रोटीन क्या है ग्लोबिलीन जो क्या करता है यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है यानी कि हमारे इम्यूनिटी के लिए यह काम करता है उसके बाद से थर्ड हमारा फेब्रेनोजन जो क्या करेगा जब भी ब्लीडिंग होती है उस वक्त यहाँ पे क्लॉट बनाने में यहाँ पे हमारा जो फिब्रेनोजैन है वो काम करता है और ये जो फिब्रेनोजैन है ये क्या होता है इनएक्टिव uh, फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये एक्टिवेट होता है बाद में जब आप uh, कभी कट जाते हैं तब क्या होता है जो प्लेटलेट्स होते हैं ये वाले प्लेटलेट्स इनकी वजह से क्या होता है ये जो फिब्रेनोजैन होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इनके इन सब के अलावा हमारे पास और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आयन्स प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन से आयन्स होंगे क्लोरीन हो होगा कैल्शियम होगा मैग्नीशियम होगा बाइकार्बोनेट होगा और सोडियम होगा तो ये हमारे ब्लड में होते हैं यानी कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और फिर हम देखते हैं कि ग्लूकोज लिपिड और अमीनो एसिड भी जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं वो भी हमारे कहाँ जाते हैं हमारे ब्लड में यानी कि ये प्लाज्मा के पार्ट में आ जाते हैं ये हमारा होता है प्लाज्मा का पार्ट अब हम इस साइड देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो फॉर्म एलिमेंट आप देख रहे हैं कि ये कितना होता है आपका 45 परसेंट का होता है इसमें तीन हिस्से आप देखेंगे कि पहला होगा हमारा आरबीसी सेकंड सेकेंड क्या होगा आपका प्लेटलेट्स होगा थर्ड होगा हमारा डब्ल्यू यहाँ पे क्या देखेंगे पहले आर की अगर बात करते हैं तो आर को हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं और ये रेड क्यों होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो इसका और क्या नाम होता है हमारा एरेथ्रोसाइट के नाम से भी हम इसे जानते हैं तो चलिए इसमें देखते हैं कि और क्या चीजें हैं तो नंबर इसकी अगर बात की जाए तो ये फाइव से लेकर 5.5 मिलियन माइक्रोमीटर क्यूब का होता है पर माइक्रोमीटर क्यूब और इसका शेप कैसा होगा आपका बाई कॉन्केव होगा तो ये बाई कॉन्केव होता है प्लस इसमें क्या होता है न्यूक्लियस जो होता है वो एबसेंट आपको मिलेगा और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो साइट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछा जाए तो ये होता है हमारा रेड बोन मैरो तो ये हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गए उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं तो ट्रू सेल्स क्यों नहीं होते हैं क्योंकि ये जो हमारे मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ये जब टूटते हैं यानी कि जब इनमें फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फ्रैगमेंट्स क्या बनाते हैं प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स इसीलिए यहाँ पे ट्रू सेल्स नहीं होते हैं अब बात कर लेते हैं इसके नंबर की तो ये कितना होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख फाइव पे पर माइक्रोमीटर क्यूब तो यहाँ पे इसके नंबर हो गए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यू की तो डब्ल्यू को हम और ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यू तो यहाँ पे इसके नंबर कितने होते हैं छः से लेकर के आठ पर यहाँ पे माइक्रोमीटर क्यूब तो यहाँ पे इसके नंबर हो गए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो फॉर्मेशन इसका भी कहाँ पे होगा आपके रेड बोन मैरो में तो यहाँ पे और हम आगे क्या देखते हैं कि जो हमारा डब्ल्यू होता है वो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पहला पार्ट हमारा क्या हो गया ग्रैन्युलोसाइट जिसमें कि क्या होंगे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है ए ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं तो ग्रैन्युलोसाइट में और हम डिवीजन जब करते हैं तो इसमें देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं पहला सेल क्या होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स जो कि कितना होगा आपका 62 टू परसेंट का होगा और जो सेकेंड है एयोसिफिल्स से वो 2 टू 3 परसेंट का होगा और थर्ड है हमारा बैसोफिल्स जो कि कितना होगा 0.5 से लेकर के वन परसेंट तक का होगा तो न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है फैगोसाइटोसिस करना यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करता है मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है तो उसे वो किल करने में उसे इनगल्फ करने पर यहाँ पर आपकी बॉडी को हेल्प करता है और उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट यहाँ पे एसिनोफिल की अगर बात करते हैं तो ये एंटी एलर्जिक होता है यानी कि अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके आ, ये, ये उस अगेंस्ट ये काम करता है उस एलर्जी के अगेंस्ट ये काम करता है थर्ड यहाँ पे क्या है बैसोफिल्स तो बैसोफिल्स क्या करते हैं यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं तो ये हो गया हमारा ग्रैन्युलोसाइट इसके आप फिगर को आप देखेंगे तो ये जो इसका जो न्यूट्रोफिल्स है इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो मल्टीलोब होंगे उसके बाद से इओसिनोफिल के जो न्यूक्लियस होंगे वो बाइलोब्ड होंगे और यहाँ पर जो बैसोफिल्स है इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो एस शेप के होते हैं फिर यहाँ पर एक ग्रैन्युलोसाइट की अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट कितना होगा सिक्स टू एट परसेंट का इसका क्या काम होगा ये भी क्या करता है फैगोसाइटोसिस करता है और इसके जो न्यूक्लियस होते होते हैं हैं। वो बीन शेप के होते हैं। फिर यहां पे ये होगा 20 टू 25 परसेंट का और इसमें जो होते हैं दो तरह की चीजें होती है मतलब कि जो लिंफोसाइट है वो दो पार्ट्स में होते हैं एक होता है टी लिंफोसाइट और दूसरा बी लिंफोसाइट इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंपल होता है यानी कि सर्कुलर ही होगा और इसका क्या काम होता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स में ये हेल्प करता है तो यहाँ पे आपने ब्लड को शॉर्टली यहाँ पे देखा कि कितने पार्ट्स में होते हैं तो यहाँ पे आपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे समझा है कि ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं क्या, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हो रहा हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू